मैं इस वक्त फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर हूं, जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी है जर्मनी का। ये यूरोप के सबसे बड़े एयरपोर्टों में गिना जाता है। और आज ब्रसल्स में जो कुछ हुआ उसके बाद हम देख सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट में भी सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। यहाँ से कई मुल्कों में सीधी फ्लाइट जाती है, भारत की राजधानी दिल्ली के लिए भी यहाँ से एयर इंडिया और लुफ्थांसा की सीधी फ्लाइटें जाती हैं। और ये एक बहुत ही व्यस्त, बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट का, जर्मनी के पश्चिमी हिस्से में है हम कह सकते हैं। और ये बड़ी बात है कि ये ब्रसल्स से बहुत दूर नहीं है ये फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट। और एक चीज़ और जो बात यहाँ पर ख़ास ध्यान देने वाली है वो ये कि बेल्जियम की राजधानी में जो आज लगातार धमाके हुए और हमले हुए, उसके बाद जर्मनी ने अपनी फ्लाइटें बेल्जियम यानी कि ब्रसल्स के लिए रद्द कर दी हैं। सुरक्षा यहाँ और कड़ी कर दी गई है, न सिर्फ जर्मनी में बल्कि और यूरोप के दूसरे शहरों में भी। अभी मुझे पता चला है कि हीथ्रो में, जो कि लंदन का एयरपोर्ट है और यूरोप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ भी सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है ब्रसल्स में हुए हमलों के बाद। और पूरा यूरोप इस वक्त चौकन्ना नजर आ रहा है और इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ और जगहों पर कुछ साजिश रची जा रही हो सकती है, जिसको कंट्रोल करने में यहाँ की सुरक्षा बलें, यहाँ की पुलिस आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य और आपसी मेलजोल की कोशिश कर रही हैं, ताकि उन चीज़ों को वक्त रहते कंट्रोल किया जा सके।